तो गाइस आज हम इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D गेम के अंदर फाइंड करने जा रहे हैं छोटी छोटी लोकेशन, वो भी गाइस अलग अलग जगह से। तो गाइस इस वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा, तो भाई वीडियो को एंड तक देखना और लाइक कर देना और चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो आज यार मेरे को सबसे पहले पता लग गया कि गाइस जो सबसे छोटा कंस्ट्रक्शन एरिया है ना, वो रखा हुआ भाई इस कैबिन के अंदर जो कि है एयरपोर्ट पर। तो भाई यहाँ से भाई मैं उसको लेने वाला हूँ, और गाइज़ यहाँ तक कि इसकी क्रेन भी वर्क करती है यार, कितनी मस्त लग रही है गाइज़ छोटी सी क्रेन। तो गाइज़ अभी मैं आ चुका हूँ एयरपोर्ट पे, और वहाँ से यार सबसे पहले मैं उस कैबिन में से ना कंस्ट्रक्शन एरिया को लेता हूँ और उसके साथ फन। अरे यार एक सेकंड यार, यहाँ पे निशान GTR गाइज़ क्रैश हो गई, कोई बात नहीं भाई, एरोप्लेन रखा था सामने। तो गाइज़ ये रहा वो वाला कैबिन, और गाइज़ मैं बोल रहा था जैसे मेरे को ये मिला ना कंस्ट्रक्शन एरिया, इसको भाई हाउस में ले जाके काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। बट गाइज़ ये क्या यार, ये तो गेट लॉक है इसका, तो यार इसकी जो चाबी है ना वो रहती है भाई शोरूम के मालिक के पास। तो यार अब मेरे को जाना पड़ेगा सबसे पहले शोरूम, क्योंकि यार इस कैबिन की चाबी वहीं पे रखी हुई है। तो जल्दी से यार मैं चलता हूँ शोरूम, और बस यार वो चाबी मेरे को दे दे। शायद गाइस उसके मालिक को खुद ही नहीं पता होगा कि भाई यहाँ पर कंस्ट्रक्शन एरिया का छोटा सा मॉडल रखा हुआ है, और इतना ज़्यादा मस्त लगता है ना गाइस ये देखने में। तो गाइस अभी मैं शोरूम पर तो आ चुका हूँ, और यार अब देखता हूँ यहाँ क्या सीन है। और भाई यहाँ पे एक ट्रैक्टर खड़ा हुआ है, और यहाँ पे दो गाड़ी भी यार काफ़ी खतरनाक खतरनाक, एक सुपरा और एक मस्टैंग। तो चलो जल्दी चलता हूँ यार, मुझे क्या इनसे, और ऊपर होगा शायद गाइस इसका मालिक और ऊपर ही चाबी है, तो यहाँ से ऊपर जाता हूँ मैं इसी रास्ते से। तो गाइस मेरे को चाबी तो मिल चुका है यार, पर गाइस इसका मालिक मेरे को चाबी देने के लिए तैयार ही नहीं है। भाई ये बोल रहा है कि यार मेरे को ना सबसे पहले इसका काम करना पड़ेगा, तभी ये मेरे को चाबी देगा। और गाइस इसने मेरे को काम बता दिया, जो नीचे दोनों गाड़ियाँ ना वो मेरे को डिलीवर करनी पड़ेगी अलग अलग जगह पर। तो चलो यार अगर चाबी मेरे को चाहिए तो इतना तो करना ही पड़ेगा गाइस इसके लिए। तो गाइस जो ये मस्टैंग है ये मेरे को पुलिस स्टेशन में दे के आनी है, और जो सुपर है ये पेट्रोल पम्प पे। तो सबसे पहले यार इनको ट्रक के अंदर लोड कर लेता हूँ मैं इस वाले रैंप से, तो यार बस यार डैमेज ना आ जाए इनमें, नहीं तो यार मेरे को चाबी भी ना दे। अरे यार गाइस रुको यार, उसने बस देखा ना हो यार यहाँ पे, बट गाइस डैमेज तो नहीं आया। तो चलो भाई अब मैंने चढ़ा दिया गाइस पहली मस्टैंग अपनी, और भाई अब सुपरा को इसके पीछे खड़ी कर देता हूँ जल्दी से। तो गाइस ये रही सुपरा, और भाई ये वाली यार काफ़ी ज़्यादा मस्त है, तो यार इसको तो डैमेज करने का मन नहीं है। बट गाइस डैमेज करे बिना मैं भी नहीं मानने वाला यार, मैं क्या ही तो करूँ यार, ये ट्रक ही ऐसा है। तो कोई बात नहीं गाइस, अब मैंने सुपरा और मस्टैंग को तो कर लिया लोड, अब भाई इनको जल्दी से रख के आता हूँ यार इनकी लोकेशन पे, और भाई फिर चाबी लेने वाला हूँ मैं। तो यार साइड हट जाओ यार सारे, नहीं तो भाई डैमेज हो गए ना भाई, तुमको मारूंगा यार मैं। पहले मैं शॉर्टकट रास्ते से जा रहा हूँ गाइस, देख सकते हो मैं किस खतरनाक रास्ते से जा रहा हूँ यार जल्दी के लिए। बट गाइस इसके मालिक को थोड़ी ना पता है कि मैं इसकी कार के साथ क्या करने वाला हूँ। तो चलो भाई अभी मैं पेट्रोल पम्प पर तो आ चुका हूँ, यहाँ पर मेरे को खड़ी करनी है सुपरा, तो आराम से खड़ी करता हूँ। यार रास्ते में थोड़ा डैमेज तो आ गया, बट कोई बात नहीं गाइस, मेरे को यहाँ पर रखने के लिए बोला गया तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ। तो अब बारी आ चुका है मस्टैंग की, तो गाइस मैं आ चुका हूँ मस्टैंग को लेकर पुलिस स्टेशन पे भाई बिल्कुल सेफ। तो भाई चलो इसको अंदर खड़ी करके जल्दी से भाई लेने चलता हूँ। गाइस मेरे से वेट नहीं हो रहा यार वो, क्योंकि काफ़ी मस्त लग रहा है कंस्ट्रक्शन एरिया देखने में। तो गाइस चलो मैंने मस्टैंग को पार्क कर दिया है, अब जल्दी से ट्रक को वहीं पर दे के आता हूँ शोरूम में, और चाबी लेके आता हूँ। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ शोरूम में, और ये रही मेरी निशान GTR कार, और ऊपर इसका मालिक होगा, तो भाई जल्दी से उससे चाबी लेता हूँ, दे ही देगा वैसे तो वो। और गाइज इस बंदे ने मेरे को आराम से चाबी दे दिया, क्योंकि गाइज मैंने इसका काम कर दिया था। तो जल्दी से चलता हूँ, और गाइज मैं आ चुका हूँ उसी कैबिन के पास, और भाई अभी इसे करता हूँ यार अनलॉक, काफ़ी ज़्यादा खतरनाक कंस्ट्रक्शन एरिया के लिए। तो गाइज अभी मैं अंदर आ गया, और भाई मेरे को मिल चुका है यार सबसे पहली छोटी लोकेशन, जो कि भाई कंस्ट्रक्शन एरिया की। तो चलो यार इसको अपने घर लेके चला जाए अब। तो गाइस मैंने अपनी निशान GTR में उसको रख दिया है, तो चलो यार सबसे पहले निशान GTR को घर पे लेके चलता हूँ, फिर देखता हूँ क्या करने वाला हूँ मैं इसके साथ एक्सपेरिमेंट। तो अभी भाई मैं अपने घर तो आ चुका हूँ, और गाइस कंस्ट्रक्शन एरिया को मैं जल्दी से अंदर रख के आ जाता हूँ अब। तो गाइस कंस्ट्रक्शन एरिया ना अभी खाली सा लग रहा है, तो गाइस उसके लिए मैं फाइंड करने वाला हूँ एक स्मॉल कार, जो कि भाई निशान GTR। तो गाइस वो रखी हुई है मेरे ओल्ड हाउस के अंदर, भाई इससे काफ़ी मज़ा आएगा, और इससे मैं ड्रिफ्ट भी मार सकता हूँ गाइस कंस्ट्रक्शन एरिया के स्टंट वाले एरिया में। तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ जल्दी से अपने ओल्ड हाउस पे, तो आ भी चुका हूँ गाइस मैं, और वो कार जो रखी हुई है ना गाइस ऊपर वाली कार बिल्कुल सही रहेगी गाइस, उसका साइज़ भी ना बिल्कुल उतना ही है जितना कंस्ट्रक्शन एरिया में चाहिए।
तो चलो भाई मैं ऊपर आ चुका हूँ और इसी टेबल पे रखी थी, और गाइस मैंने उसको कलेक्ट कर लिया है। तो जल्दी से मैं चलता हूँ यार अपने घर पे और भाई उसके साथ खेलता हूँ थोड़ा सा। तो गाइस मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यार, यहाँ पे देख सकते हो भाई छोटी सी निशान जीटीआर कार बिल्कुल स्टंट मार रही है गाइस यहाँ पे। और गाइस इस कंस्ट्रक्शन एरिया में ना बिल्कुल सेम वैसी चीज़ें लगी हुई है जैसे भाई रियल वाले कंस्ट्रक्शन एरिया में, मतलब गाइस दो वेयर हाउस है, स्टंट एरिया भी है और यहाँ पे दो बिल्डिंग भी, और गाइस क्रेन भी वर्क कर रही है लिटरली काफ़ी ज़्यादा उस समय वाला। तो गाइस अभी मेरे को और भी छोटी छोटी चीज़ें फाइंड करनी है, मतलब ऐसी अलग अलग लोकेशन, तो चलो भाई उन्हें फाइंड करने के लिए मैं चलता हूँ। तो गाइस अभी ना मेरे फ़ोन में एक वीडियो आई है तो मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कौन सी लोकेशन की है। तो गाइस ये है कंस्ट्रक्शन एरिया की लोकेशन, बट गाइस यहाँ पे मेरा ना ओल्ड हाउस है भाई, वो भी गाइस छोटा सा मॉडल, और गाइस इसके अंदर एनपीसी भी है। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा इनके साथ खेलने में। तो जल्दी से यार मैं फाइंड करने चलता हूँ अपना ओल्ड लोकेशन, मतलब ओल्ड हाउस वाली लोकेशन को। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ कंस्ट्रक्शन एरिया पे, और गाइस जो वेयर हाउस है ना इसके ऊपर रखा हुआ है वो छोटा सा हाउस, तो यहाँ से सबसे पहले उतरता हूँ। बट गाइस यहाँ से ऊपर जाना मुश्किल होने वाला है तो मैं ट्रिक लगाता हूँ। तो भाई मैं निशान जीटीआर के ऊपर से नहीं जा सकता यार, काफ़ी ऊपर है वो। तो शायद गाइस पीछे कुछ रखा हो यहाँ पे सीढ़ी वीडी, देखता हूँ गाइस मैं यहाँ पे कुछ रखी है क्या। गाइस यहाँ पे सीढ़ी तो है ही नहीं, तो यार ये बहुत ज़्यादा ऊंचा है। तो भाई मेरे दिमाग में एक आइडिया आ गया, आगे जा कर देखता हूँ गाइस कुछ ना कुछ तो मेरे को मिल ही जाएगा यहाँ पे। तो गाइस मेरे को एक डस्टबिन दिख रहा है बिल्डिंग के ऊपर, तो शायद उससे मेरा काम बन जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले गाइस मैं उस डस्टबिन को लाता हूँ। तो डस्टबिन को मैंने रख दिया निशान जीटीआर के ऊपर, और यार निशान जीटीआर की हालत ख़राब हो चुकी है, रुको यार ऊपर करता हूँ। और भाई मैंने रख लिया है, तो चलो भाई इसे जल्दी से लेके चलता हूँ उसी लोकेशन पे। तो गाइस अभी मैं आ चुका हूँ यहाँ पे और उतर जाता हूँ यार आराम से। भाई निशान जीटीआर दब गई गाइस नीचे बिल्कुल, और भाई गेट भी टूट गया यार इसके। चलो कोई बात नहीं गाइस, अभी मैंने डस्टबिन तो लगा दिया बिल्कुल सही जगह, अब बस यार फ्रैंकलिन ऊपर चढ़ जाए यहाँ पे। तो भाई जंप लगानी है, और मेरे को तीन जंप और लगानी है भाई, फर्स्ट जंप तो लग चुके अपनी, और गाइस सेकंड जंप भी लग गई भाई, अब एक जंप और है गाइस फिर मेरे को मिल जाएगा अपना छोटा सा हाउस। तो भाई ये रही गाइस एक जंप, और भाई मैं आ चुका हूँ गाइस ऊपर वेयर हाउस के, और गाइस ये रहा छोटा सा हाउस, वो भी गाइस ओल्ड हाउस मेरा। तो भाई इसके अंदर गाइस लिटरली एनपीसी भी यार छोटे छोटे, तो यार उनको भी देखने में मज़ा आएगा। तो जल्दी से इसे घर लेके चलता हूँ मैं। तो गाइस अभी मैं इसे घर ले जा रहा हूँ, और भाई इसमें से आवाज़ भी आ रही गाइस इसमें, क्यों गाइस इसमें इंसान भी है ना छोटे छोटे, तो देखता हूँ मैं घर ले जा के उनको। तो गाइस अभी मैं निशान जीटीआर को फुल स्पीड में भगाता हूँ अपने घर आ चुका हूँ, और अंदर गाइस मैं उसे लेके आ चुका हूँ। भाई सब काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है यार ये वाला हाउस, मतलब गाइस छोटे से लोकेशन काफ़ी अच्छे लगता है। तो अंदर से देखता हूँ मैं, और गाइस अंदर ये देखो छोटे एनपीसी ने भाई डॉग भी पाल रखा है यहाँ पे, और गाइस ये भी कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा है भाई छोटा सा। तो ऊपर जाके देखता हूँ गाइस मैं एनपीसी क्या कर रहे हैं यहाँ पे। गाइस एक एनपीसी है ये देखो भाई कितना छोटा सा लग रहा है यार ये, और ये मेरे से बोल रहा है कि भाई मेरी वीडियो मत बना। तो भाई मैं तो वीडियो बनाऊंगा यार इसकी, क्योंकि मैं इसे बचा के लाया हूँ वहाँ से। और गाइस इधर भी एक एनपीसी है, तो देखता हूँ यार ये क्या कर रही है यहाँ पे। तो गाइस ये एनपीसी तो यहाँ पे नहा रही है, ये देख सकते हो आप। तो चलो गाइस अभी हमको एक और लोकेशन फाइंड करनी है भाई, जो कि गाइस काफ़ी स्मॉल है इनकी तरह ही। आई मैंने दो लोकेशन तो फाइंड कर लिया, तो तीसरी लोकेशन की बारी आ चुका है गाइस अब। और भाई ये वाली लोकेशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाली है, क्योंकि गाइस ये लोकेशन है पेट्रोल पंप की, और गाइस आपको दिखाता हूँ मैं वो वाली वीडियो। तो गाइस ये लोकेशन है ना जो पुलिस स्टेशन के अंदर है यार, और यहाँ पे भाई इतनी तगड़ी सिक्योरिटी है ना, मतलब गाइस डॉग्स लगा रखे हैं यहाँ पे, और गाइस इस छोटे से पेट्रोल पंप के लिए इतनी तगड़ी सिक्योरिटी है, पता नहीं यार ये क्या है ऐसा इसमें। तो कोई बात नहीं गाइस अभी मैं आ चुका हूँ, और भाई मेरे भाई अंदर आते के साथ मुझे भाई यहाँ पे दिख चुका है बहुत सारे डॉग है गाइस पुलिस के। तो चलो भाई मैं इनसे बच के तो आ गया हूँ अंदर, और यार पुलिस मेरे को बस मारे ना। वैसे गाइस ये बिना बात तो मेरे को कुछ नहीं कहेंगे। तो यार इस गेट पे भी यार यहाँ पे तीन डॉग है, तो सबसे पहले इनको मारता हूँ यार मैं यहाँ पे। भाई रुको भाई किसी को नहीं छोड़ने वाला मैं आज भाई, सबसे पहले यार मेरे को पेट्रोल पंप चाहिए यहाँ पे। और गाइस दो डॉग्स को तो मैंने मार दिया, और मैंने भाई तीसरे डॉग को ही मार दिया यहाँ। तो जल्दी से गाइस मैं ले लेता हूँ छोटा सा वो पेट्रोल पंप, बट गाइस उससे पहले मैं पुलिस को मार दूँ यार, नहीं तो मेरे को देख लेंगे ले जाते हुए। तो गाइस मैंने एक पुलिस को तो मार दिया है, और इधर तीन पुलिस थे। वेट यार ये कहाँ से आ गए भाई पीछे से यार, रुको यार मैं भाग लेता हूँ सबसे पहले। भाई इन्होंने तो भाई मुक्के मारने चालू कर दिए मेरे को। तो सबसे पहले गाइस मैं इनके काउंटर पर आ चुका हूँ ऊपर, और यहाँ पर इनको मारता हूँ यार सबसे पहले मैं लॉन्चर से। तो भाई एक पुलिस वाला तो गया,
नहीं भाई, दो गए और ये भी गया भाई तीसरा। तो यार डॉग्स को भी मार देता हूँ यार मैं सबको, नहीं तो भाई दिक्कत हो जाएगी। और ये भाई तीन डॉग रह गए, तो भाई एक डॉग लास्ट है, तो भाई इसको मार देता हूँ मैं जल्दी। अरे मर जा भाई, मर गया गाइस ये। तो जल्दी से यार मैं ऊपर चलता हूँ भाई उसे लेने के लिए। तो गाइस मेरे को मिल चुका भाई छोटा सा पेट्रोल पंप, और गाइस इसमें से भी आवाज़ आ रही है, शायद भाई इसमें भी एनपीसी है। तो चलो भाई वो तो घर जाके पता लगेगा मेरे को कि इसमें एनपीसी है या नहीं। और गाइस मेरे पीछे यार पुलिस भी लग चुका है, तो जल्दी से घर चलता हूँ यार मैं अपने। तो गाइस मैं आ चुका हूँ भाई अपनी टेबल पे, मैंने यहाँ पे रख दिया पेट्रोल पंप। और भाई ये देखो यार यहाँ पे एनपीसी भी गाइस इसमें, और कार्स भी है भाई छोटी छोटी। ये देखो भाई ये यहाँ पे पेट्रोल भर रहा है एक कार का। और भाई वो वाला एनपीसी क्या कर रहा है यार, वो भूत से बात कर रहा है ये देखो। मतलब गाइस यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं, और ये पता नहीं किससे बात कर रहा है, पता नहीं गाइस ये छोटे वाली सिटी में क्या चल रहा है इंडियन बाइक की। तो गाइस आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट में बता देना, अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं होता सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए।